नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति चैनल में आपको स्वागत करते हैं। चरित्रहीन महिलाओं की ऐसे करे पहचान, ये तरीके होते हैं। चाणक्य ने अपनी नीतियों में महिलाओं के बारे में कुछ बातें लिखी है। चाणक्य के अनुसार इन तरीकों से चरित्रहीन महिलाओं की पहचान कर सकते हैं और आप ऐसी चरित्रहीन महिला से दूर रह सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। इन्हीं नीतियों का पालन करके लोगों ने विश्व भर में अपना वर्चस्व स्थापित किया है और सिक्कों का संग्रह भी किया है। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई ये नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब लिखी गई थी। इन नीतियों का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सही दिशा मिलती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में भी बताया है, जिन्हें जानकर आप भी चरित्रहीन महिलाओं के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, मोटिवेशनल अनमोल बातें, चाणक्य नीति और ज्ञान भरी बातें आने वाली समय में भी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इन महिलाओं से दूर रहें। चाणक्य नीति के अनुसार छोटी गर्दन वाली महिलाएं फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। इसके अलावा जिन स्त्रियों की गर्दन की लंबाई 4 अंगुल से अधिक होती है उनकी संतान नष्ट हो जाती है। चपटी गर्दन वाली महिलाओं का स्वभाव बहुत गुस्सैल और क्रूर होता है। इसके अलावा अगर इन महिलाओं के गालों पर डिंपल पड़ जाए तो इनका चरित्र अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखें पीली और डरावनी होती हैं तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव काफी खराब होता है। जिन महिलाओं के कानों पर बहुत बाल होते हैं और उनका आकार असमान होता है, वे घर में क्लेश का कारण बनती हैं। जिन महिलाओं के दांत निकले हुए होते हैं उनके जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों, आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।